उन्नाव के प्रद्युम्न मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट, हत्या के आरोप में सीबीआई ने 11वीं के छात्र को दबोचा। प्रद्युम्न केस में सीबीआई का बड़ा खुलासा, पीडीएम डालने और परीक्षा स्थगित करने के लिए 11वीं के छात्र ने किया मर्डर। सीबीआई ने किया पुख्ता सबूतों का दावा, सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड से ही मिले केस के सुराग। आरोपी छात्र पर हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजा। 6 दिन का पुलिस रिमांड मांगा है, 6 दिन का पुलिस रिमांड मांगा है, हमने उसको अपोज किया है। और 16 साल के आरोपी की रिमांड के साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने रखी शर्त, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही होगी पूछताछ। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी छात्र ने कबूल किया है अपना गुनाह, पढ़ने में अच्छा नहीं था, 11वीं का स्टूडेंट। आरोपी छात्र के घर वालों ने सीबीआई की कार्रवाई पर जताई नाराजगी, पिता बोले बेटे को फंसाने की साजिश। मेरे बच्चे ने माली को बताया, टीचर्स को बताया देखते ही बच्चे को, और पूरे दिन स्कूल में रहा है, पेपर दिया है बच्चे ने। हथियारबंद बदमाशों ने गाजियाबाद के सिहानी गेट के नेहरू नगर में बीएसपी नेता अमित गर्ग के घर की लूटपाट, दिन दहाड़े वारदात को दिया अंजाम। वारदात के वक्त घर में अकेली थी मीनू गर्ग, मीनू गर्ग के नशे का इंजेक्शन लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के वक्त किसी काम से बाहर गए थे नेता अमित गर्ग, घर पर फोन करने पर नहीं मिला था कोई रिस्पॉन्स, जिसके बाद घर पहुंचकर की गई छानबीन। सूचना मिलने पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। चोरी की नियत से 3 लोग अंदर घुसे थे, अंदर महिला थी, उसको बंधक बनाकर इन्होंने सामान लूटा है। अभी इसके बारे में अभी पूछताछ की जा रही है। रनहोला इलाके में नाबालिग समेत 4 बदमाशों ने एक युवक से की लूटपाट, लूटपाट का विरोध करने पर युवक पर किया हमला। लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद, अपना काम खत्म कर घर लौट रहा था युवक। फिर उन्होंने मेरे पास आज चारों तरफ से घेर लिए, फिर पॉकेट में मेरा हाथ वाथ मारने लग गया मेरे। अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इतना मैं अपने बचाव के लिए करता रहा, फिर पीछे से एक लड़का ने मेरे चौक लगा दिए। घटना के 3 दिनों बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं की रिपोर्ट। स्थानीय लोगों के मुताबिक आए दिन इलाके में होती है लूटपाट की घटनाएं। यहाँ पर 3-4 लड़के, एक छोटा बच्चा था उसके साथ, और 3 लड़के थे। तो जब ये शोर मचा के पकड़ो और वो लड़के भागने लगे, फिर हम घर से निकले तो उनके साथ वारदात हो चुकी थी। यूपी के कौशाम्बी के पिता ने बेटी को जंजीरों से जकड़ा, प्रशासन की मदद से मुक्त कराया गया। थाने के उल्हासनगर में चाइनीज दुकान पर ग्राहक और दुकानदार में मारपीट, दुकानदार ने ग्राहक पर फेंका खौलता तेल। सीसीटीवी में कैद हुआ मारपीट का पूरा वाकया, पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया। जम्मू में मोबाइल शोरूम में चोरों ने बोला धावा, 20 लाख रुपए के मोबाइल पर किया हाथ साफ। मध्य प्रदेश के खरगोन में चोरों ने एक ही रात में 5 घरों पर बोला धावा, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। मध्य प्रदेश की बैतूल में सर्व शिक्षा अभियान में करोड़ों रुपए का घोटाला, डीसीपी समेत 6 के खिलाफ मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा कारोबारी रतन जाड़िया के हथियारों को मिली सजा, एक महिला समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद। पंजाब के फतेहाबाद में 1.5 लाख के नकली नोट और आधा किलो अफीम जब्त, 4 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में हादसे का शिकार हुई स्कूल बस, 30 छात्र हुए घायल। झारखंड के गिरिडीह में लूट की योजना बनाते वक्त 2 युवक गिरफ्तार, जिंदा कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद। गुजरात की अमरेली में बाइक सवार युवकों ने बेजुबान शेरों को किया परेशान, पीछे दौड़ाई बाइक। युवकों ने घटना को मोबाइल में किया कैद, परेशान होकर इधर उधर भागता दिखा शेरों का जोड़ा। यूपी के झांसी में 3 साल के मासूम के साथ चमत्कार, 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने पर भी बची जान। नई मुश्किल में घिरे जेपी ग्रुप के चेयरमैन, धोखाधड़ी के एक मामले में ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत ने चेयरमैन समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए। बेगूसराय के सिमरिया महाकुंभ में ऐतिहासिक रहा तीसरा शाही स्नान, 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी।
मुंबई में बिल्डिंग के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की चार गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में रेलवे पुलिस अधिकारियों पर नक्सलियों ने किया हमला, एक की मौत दूसरा घायल। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शुरू हुआ भारतीय लोक मेला, देखने वालों का लगा तांता। 57 देशों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों ने ताजमहल का किया दीदार, ऐतिहासिक धरोहर की तारीफ की। आज बिहार के दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बिहार कृषि रोडमैप के तीसरे चरण की करेंगे शुरुआत। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में कूड़ा घर से बरामद हुई युवक की अजली लाश, पुलिस को शव की पहचान मिटाने का शक। वारदात के 23 दिन बाद भी विवान के हथियारों का सुराग नहीं, 17 अक्टूबर को नोएडा के सेक्टर 71 में बदमाश ने लूट के बाद की थी हत्या। नोएडा में रूसी महिला को व्यापारी ने लगाई करोड़ों रुपए की चपत, रूस ग्रीन कॉरपोरेशन ने मामला निपटाने के लिए भारतीय दूतावास को लिखा खत। फरीदाबाद में 30 अक्टूबर को हुए डबल मर्डर केस की गुत्थी, पुलिस ने सुलझाई हत्या में दो सुरक्षाकर्मियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन छाते लुटेरों को गिरफ्तार किया, 5 लाख का लूट का माल जब्त। यूपी के सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 30 लाख के नकली नोट के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में कर्ज से परेशान किसान ने दी जान, पेड़ से लटककर की खुदकुशी। यूपी के बांदा में आर्थिक तंगी से परेशान किसान ने दी जान, खेत में पेड़ से लगाई फांसी।